हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो काफी दिनों बाद हम लोग 9:30 PM पे ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का पहला आर्टिकल है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने अपनी 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है 2021 में। इससे पहले जो 5th असेसमेंट रिपोर्ट थी IPCC की, वो 2014 में रिलीज हुई थी। देखते हैं IPCC ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा। IPCC ने 6th असेसमेंट रिपोर्ट यानी 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। नाम क्या है रिपोर्ट का? क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस, ये है रिपोर्ट का नाम। आप रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेंगे तो इसी नाम से पूछेंगे। इंडिया ने IPCC की रिपोर्ट का वेलकम किया है कि हाँ भाई, IPCC ने जो भी एनालिसिस किया है वो सच है। IPCC ने काफ़ी हार्श वर्ड यूज़ किए हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के विषय में। IPCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने दूसरों का हिस्सा भी हड़प लिया है कार्बन बजट का, यानी कि जो ग्लोबल कार्बन बजट है वो लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने दूसरों का कार्बन बजट भी हड़प लिया है खुद के डेवलप होने के चक्कर में। अब जो विकासशील या फिर अविकसित कंट्रीज़ हैं वो विकसित नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई है। और अगर वो ऐसा सपोज करिए थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं तो लोग आके उन पर चढ़ लेते हैं कि भाई कोयले का यूज़ कम करो, ये है। हालांकि जो डेवलप कंट्रीज़ खुद डेवलप हुई हैं वो कैसे डेवलप हुई ये नहीं बताएंगी। तो IPCC ने सीधे ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो है दूसरों का जो कार्बन बजट है उसको भी हड़प लिया है। साथ ही साथ IPCC ने कहा है कि अकेले ही नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव नहीं किया सकता है, यानी कोई कंट्री चाहे कि नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लें तो ऐसा अकेले नहीं हो सकता, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपके IPCC ने कहा है। इंडिया ने IPCC रिपोर्ट का वेलकम किया है। उन्होंने कहा है ये जो क्लाइमेट चेंज है, इंडिया ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे साउथ एशियन मानसून पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया ने थोड़ा सा सजेशन दिया है कि IPCC को, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी करता है ना क्लाइमेट चेंज की, तो क्या IPCC को एरोसोल कूलिंग के विषय में भी देखना चाहिए, क्योंकि एरोसोल कूलिंग से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 30% तक रिड्यूस किया जा सकता है, तो इसका एनालिसिस IPCC को करना चाहिए। देखिए, IPCC कोई एक संस्था नहीं है, कोई एक ऑफिस नहीं है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक संगठन है। हालांकि इसको स्थापित किया था डब्ल्यू एम ओ और यूनेप ने। इसमें हर कंट्री के वैज्ञानिक एक रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं क्लाइमेट चेंज का, उस पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी का असेसमेंट इस रिपोर्ट में किया जाता है। देखिए, इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 450 GW, कितना 450 GW। और जो रिसेंटली बजट आया है फिनेंशियल ईयर 22 के लिए, यानी बजट 2021-22, उसमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी बात की गई है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन कहा गया है कि ग्रीन सोर्सेज यूज करने चाहिए नेशनल, मतलब कि हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट करने के लिए। इससे पहले जो ICC की असेसमेंट रिपोर्ट आई थी वो IPCC की, वो 2014 में आई थी, 5th रिपोर्ट थी याद रखिएगा। IPCC का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज का साइंटिफिक असेसमेंट करती है। IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेप ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। पर्पस क्या था? पर्पस था जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या रिस्क हो सकता है, इसका रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड किया सके, इसके लिए IPCC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो ई संजीवनी इनिशिएटिव्स हैं उनका आउटपुट रिजल्ट रिलीज किया है कि भाई ई संजीवनी का क्या इफेक्ट पड़ा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसने 90 लाख टेली कंसल्टेशन अचीव कर लिया। कितने? 90 लाख टेली कंसल्टेशन। इतना अच्छा है कि पिछले 17 दिनों में उन्होंने 10 लाख टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड किए हैं। तो इंडिया का जो ई संजीवनी इनिशिएटिव है वो डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आपको पता ही है ई संजीवनी, मेरे ब्रदर हैं उनको भी डॉक्टर जो है ई संजीवनी के थ्रू ही देखता है, यानी ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सर्विस के थ्रू ही देखता है। हाँ, हालांकि फीस हम लोग पूरी पे करते हैं, अब थोड़ा बहुत तो अटका लगता है, लेकिन चलो ठीक है, काम तो चल ही रहा है ना। ई संजीवनी देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले एक महीने में तो जो ई संजीवनी नेटवर्क यूटिलाइजेशन है वो 1.5 गुना बढ़ गया है। कोविड क्राइसिस के दौरान कोई बाहर नहीं जाना चाहता, इवन डॉक्टर भी, तो पेशेंट्स को टेलीमेडिसिन सर्विस के थ्रू देख रहे हैं। ये देख लीजिए, ई संजीवनी जो प्लेटफॉर्म है वो पर डे कम से कम 70,000 पेशेंट्स का काम कर रहा है, यानी 70,000 पेशेंट्स ई संजीवनी के द्वारा देखे जा रहे हैं। ई संजीवनी क्या है? एक नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है। इसके दो वेरिएंट हैं, पहला तो डॉक्टर टू डॉक्टर के लिए ई संजीवनी HWC हेल्थ
एंड वेलनेस सेंटर, HWC का फुल फॉर्म है ये बता रहा हूँ मैं, ई संजीवनी ABHWC आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये है डॉक्टर टू डॉक्टर के लिए। फिर पेशेंट टू डॉक्टर के लिए है ई संजीवनी OPD, अभी दोनों के समय पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नवंबर 2019 में लॉन्च कर दिया था, यानी कोविड आने से पहले। ये ई संजीवनी ABHWC क्यों लॉन्च किया था, आयुष्मान भारत के तहत जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं वहां पे जो डॉक्टर है वो इतना ज्यादा नॉलेज शायद ना रखते हो, तो ई संजीवनी ABHWC लॉन्च कर दिया गया जो कि हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। हब एंड स्पोक मॉडल पे कैसे काम करता है, देखिए जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनको एक ई संजीवनी HWC से जोड़ दिया जाएगा, वहां पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे होंगे, ये हब हो जाएगा आपका, और उसमें स्पोक निकले होंगे ऐसे ऐसे करके, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनसे कनेक्ट हो गए। तो ये इस तरह से हो गया आपका ई संजीवनी H जो HWC हब एंड स्पोक मॉडल हो गया। सपोज फिर एम्स न्यू दिल्ली से आपका एक ई संजीवनी पोर्टल जोड़ दिया गया, उसमें कुछ नहीं तो 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कवर कर दिया गया, तो इस तरह से आपका डॉक्टर टू डॉक्टर के लिए हो गया। अभी जो ई संजीवनी ABHWC है वो 25,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर फंक्शनल है, याद रखिएगा। जो सेकंड वेरिएंट है वो तो ई संजीवनी OPD है, वो 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च कर दिया था पहले लॉकडाउन के दौरान। ये जो है पूरे देश में जब लॉकडाउन था तब ओपीडी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में। तो दोनों आपको समझ में आ गए, एक है डॉक्टर टू डॉक्टर जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए है, एक है डॉक्टर टू पेशेंट जो कि ओपीडी है। तो ई संजीवनी ओपीडी और ई संजीवनी दोनों याद रखिएगा जो पेशेंट के लिए है। ई संजीवनी अलग अलग कब लॉन्च हुए थे ये भी याद रखिएगा। अभी 90 लाख टेली कंसल्टेशन को कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग, उससे पहले ही देख लीजिए सबसे ज्यादा टेली कंसल्टेशन कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म और ई संजीवनी HWC के द्वारा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो दो चीजें पूछेंगे कि ई संजीवनी के द्वारा सबसे ज्यादा टेली कंसल्टेशन कहाँ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, और दूसरा सवाल ये बन सकता है कि ई संजीवनी इंडिया में पहला स्टेट कौन था जिसने ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सर्विस को लॉन्च किया था, तो आंध्र प्रदेश ही इंडिया का पहला स्टेट था जिसने ऐसा किया था। अच्छा, इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बना था, आंध्र प्रदेश में बना था। इंडिया का पहला एक्वामरीन मेगा फूड पार्क कहाँ बना था, वो भी आंध्र प्रदेश में बना था। तो आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, ट्राइफेड ने ट्राइबल प्रोडक्ट्स इनकी मार्केटिंग के लिए 141 आउटलेट्स स्थापित किए, जिसमें से कुछ फ्रेंचाइजी भी शामिल है। देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन देख लेते हैं। ट्राइफेड 141 आउटलेट्स स्थापित किए जिसमें फ्रेंचाइजीज भी शामिल है। पर्पस क्या है ये 141 आउटलेट्स स्थापित करने का, ताकि ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जा सके। कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं ट्राइफेड ने, उसमें से कुछ देख लेते हैं। देखिए ट्राइफेड द्वारा एक स्कीम रन की जा रही है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। इसमें ट्राइफेड क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट्स का सपोर्ट ले रहा है ताकि ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाए, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन हों, एजेंसीज हों, NGO हों, इन सब के साथ ट्राइबल जो है कोऑपरेशन कर रहा है, ताकि ट्राइफेड जो है कोऑपरेशन कर रहा है ताकि ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जा सके। ट्राइफेड का खुद का तो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ही है, लेकिन वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ भी भागीदारी कर रहा है ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, यानी अब जाकर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी ट्राइबल प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। 2019-20 उन्होंने आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जिससे कई सारे ट्राइबल आर्टिजन्स को फायदा हुआ। ये 2019-20 का डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, 2020-21 का देख लीजिए। ट्राइफेड ने डाटा जारी किया है जिसमें बताया है 2020-21 के दौरान लगभग 1,709 लाख का जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स का प्रोक्योरमेंट था वो किया गया, कितना 1,709 लाख का, और उसके साथ साथ लगभग 2,802 ट्राइबल आर्टिजन्स को इम्पैनल्ड किया गया, यानी वो ट्राइब्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पे इम्पैनल हो गए, अब वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ट्राइफेड का खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है tribesindia.com, ये याद रखिएगा। उसके अलावा उसने Amazon, Snapdeal इन सब के साथ भी पार्टनरशिप की है। ट्राइफेड के इस इनिशिएटिव के तहत सिर्फ अगर Flipkart, Amazon इन सब की बात करें तो ट्राइफेड ने 2019-20 के दौरान लगभग 71.50 लाख का ट्राइबल मटेरियल सेल किया है। तो कितनी अच्छी बात है ट्राइफेड ट्राइबल कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए, खास करके फिनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। ट्राइफेड की बात करें, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1987 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, जिसके मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा।
चेयरमैन हैं ट्राइफेड के रमेश चंद्र मीणा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए, एमएसएमई का जीडीपी में क्या योगदान है। एग्रीकल्चर एमएसएमईज माइंड ब्लोइंग योगदान है हमारे लिए। तीन चीज़ें फेमस हैं, मतलब तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो आप देख लीजिए कि जो इंडिया की जीडीपी है उसमें एमएसएमई का योगदान क्या है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटल मैन्युफैक्चर किस एमएसएमई से कितना आता है, फिर लास्ट है आपका एक्सपोर्ट। इन तीन चीज़ों में हमें देख लेना है, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस आर्टिकल पे। देखिए इंडिया का जो जीडीपी है उसमें एमएसएमई का योगदान है 2019-20 के दौरान 30%। कितना है? 30%। एमएसएमई सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है। 2019-20 के दौरान इंडिया की जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थी उसका 36.9% एमएसएमई से आया था। 2020-21 के दौरान जितना भी एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से उसमें से 49.5% एमएसएमई से आया था। तो आप देखिए इंडिया की जीडीपी में 30%, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में 36.9% और इंडिया के एक्सपोर्ट में लगभग 50% योगदान किसका है? एमएसएमईज का है। एनएसएस ने, नेशनल सैंपल सर्वेस ने 73rd राउंड की जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया एमएसएमई सेक्टर में लगभग 11.10 लाख लोग काम कर रहे हैं। अभी तक क्या बोला जाता था कि 10 करोड़ फार्मर, ये लाख बोल गया मेरे ख्याल से, 10 करोड़ लोग ही जो है एमएसएमई सेक्टर में है। लेकिन एनएसएस ने जो डाटा जारी किया है उसने बताया है लगभग 11.1 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2008 के आसपास लॉन्च किया गया। 2020-21 के दौरान लगभग 1.19 लाख लोगों को जॉब दिया गया, क्योंकि 2020-21 के दौरान कोविड चल रहा था तो इतना काम हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ग्रामीण और शहरी यानी रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए है, 2008 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसमें कैसे? क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। क्या करना होता है? माइक्रो इंटरप्राइजेस आपको इस्टेब्लिश करने होते हैं जिसके लिए आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड करनी होती है। देखिए ये माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रही है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगर आप माइक्रो इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो 25 लाख तक की आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी। अगर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तो 10 लाख तक की क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसके तहत एमएसएमई सेक्टर पर फोकस किया जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए, रूरल एरियाज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम। एक ही स्कीम का नाम लेते हैं ये लोग बार बार, चार दिन से हम लोग वही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, मैंने सोचा क्यों ना आपका रिवीजन हो जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसके द्वारा सेंट्रल सेक्टर की अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2016-17 से। जब इसका पहले लॉन्च ये थी स्कीम तब इसका नाम था संपदा स्कीम, बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसका नाम हो गया। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए याद रखिएगा, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डबल करना है, उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये रीजन या स्टेट स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, लेकिन ये डिमांड ड्रिवन स्कीम जरूर है। सपोज करिए आंध्र प्रदेश फ्रूट्स के लिए फेमस है तो फ्रूट से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वहां पे स्थापित किया जाएगा, ना कि जूट से रिलेटेड। तो एरिया स्पेसिफिक स्कीम नहीं है लेकिन डिमांड ड्रिवन, जैसी जहां की डिमांड उसके हिसाब से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है पूरे इंडिया में। अभी तक 41 मेगा फूड पार्क का अप्रूवल मिल चुका है, ये रट लीजिएगा, 41 मेगा फूड पार्क का अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें से 38 के लिए नॉर्मल अप्रूवल और 3 के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। कुछ बताया गया था 19 या 22, ये मैंने पढ़ाया था, आप वहां से देख लीजिए, 22 ऑपरेशनल है मेरे ख्याल से और 19 अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी पढ़ाया था। 6 ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट, ये सब कुछ इंप्लीमेंट किया जा चुका है आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। इसके अलावा नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड है, वो 2020 में क्या कर रही, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसकी स्टडी की जा रही है। क्या स्टडी की जा रही है? इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक सबकंपोनेंट है। इसकी स्टडी नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये कर रहा है 2020 में। पर्पस क्या है भाई? इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम, इस पर जो फंड दिया जा रहा है क्या वो यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम है इसके तहत लगभग जो फार्म ग्रेड प्राइस है वो 12.38% इंक्रीज हुआ है और हर प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 9,500 फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। तो फार्म गेट प्राइस, देखिए फूड प्रोसेसिंग अगर अच्छी हो जाएगी फार्म गेट यानी फार्मर के पास ही,
तो फार्म गेट प्राइस तो इंक्रीज होना ही है। और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम, इसका पर्पस यही है कि फार्म अपनी, जब फार्मर अपनी कम्योडिटी सेल करता है तो ऐसे कम दामों पर बेच देता है, लेकिन जब उसको आप अच्छी कोल्ड चेन फैसिलिटी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर दें तो अच्छे दामों पे अपना सेल कर सकता है। सपोज करिए उसको कुछ समय के लिए आपने कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया, बाद में क्या करता है यहीं से अच्छे दामों पे और थोड़ा बढ़ा के, अब उसके बाद जल्दबाजी नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो मुझे जल्दी इसको सेल करना है, थोड़ा टाइम ले लिया उसने, जब मार्केट सही हुआ तब उसने सेल कर दिया। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा PMFME स्कीम लॉन्च कर दी गई आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। देखिए मेगा फूड पार्क स्कीम अलग है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम अलग है। इसमें 2,00,000 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्थापित की जाएंगी क्रेडिट लिंक सब्सिडी के द्वारा 5 वर्षों में 2021 से 2024-25 तक, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। तो 10,000 करोड़ दिए गए हैं PMFME स्कीम के तहत 2,00,000 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस सेटअप करने हैं। इससे क्या होगा, वहीं पर यानी फार्मलैंड के आसपास ही लोकल एरिया में 500 मीटर 1 किलोमीटर पर ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस मिल जाएंगे, जहां पे फार्मर अपनी पेरिसेबल कमोडिटीज को तुरंत ले जाके प्रोसेस करवा सकता है ताकि उसका प्राइस बढ़ सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PMFME स्कीम लॉन्च की 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। 10,000 करोड़ है, आप देखिएगा 5 वर्षों के लिए स्कीम है, 2,00,000 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्थापित करने हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 60-40, 90-10 का रेशियो है, और यूटीज विद लेजिस्लेटर उनको नॉर्मल स्टेट की तरह ट्रीट किया गया तो उनका भी 60-40 का रेशियो है, 5 वर्षों के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगी, याद रखिएगा। तो PMFME स्कीम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पर फोकस किया जा रहा है, जबकि आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उसमें क्या किया है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर मेगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेगा फूड पार्क हो, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन सप्लाई हो। सब उसके लिए इंटीग्रेटेड मतलब पास में आपका कोल्ड स्टोरेज है, फिर वहीं पर रेलवे लाइन है, वो पूरी की पूरी डीप फ्रीज आपकी ट्रेन आती है उसमें आके, तो ऐसे ही फिर वहाँ पे उतरा फिर ट्रक आ जाते हैं आपकी फ्रीजर वाले, तो इस तरह से आपके इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलप किया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, जबकि PMFME स्कीम क्या माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पर फोकस किया जा रहा है। अब फेम इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। फेज वन लॉन्च हुआ था 2015 में, फिर फेज टू चल रहा है, देख लेते हैं। फेम इंडिया स्कीम अभी कहा गया है कि लास्ट 3 ईयर्स में हमारे देश में 5,17,000 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए हैं, समझे आप। उसके अलावा 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, 38 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी रजिस्टर हुए हैं फेम इंडिया के फेज टू के तहत। तो फेम इंडिया स्कीम थोड़ा काम कर रही है तो है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसके द्वारा फेम इंडिया स्कीम 2015 से इंप्लीमेंट की जा रही है। फेज वन 2015 से 18 तक के लिए यानी 3 वर्षों के लिए था, बाद में फेज टू लॉन्च कर दिया गया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक के लिए था, ये 5 वर्ष नहीं है 3 वर्ष होगा, पता नहीं पीएबी में ऐसा क्यों दिया था। हालांकि अगर आप इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पे 3 वर्ष लिखा है फेज टू के लिए। 10,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं फेम इंडिया स्कीम फेज टू के लिए, 10,000 करोड़ रुपये। इसमें क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। आप 4-व्हीलर खरीदने जाते हैं आपको पता ही होगा जो रोड टैक्स पूरा का पूरा माफ कर दिया जाता है, अब ये रोड टैक्स माफ किया तो अपनी जेब से उन्होंने माफ किया, फेम इंडिया स्कीम लॉन्च की गई वो रोड टैक्स उन्होंने जो माफ किया वो उनको मिल जाएगा, मतलब कुछ परसेंटेज मिल जाएगा। फेम इंडिया फेज टू याद रखिएगा, पहले जो इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स थे उन पर डिमांड इंसेंटिव 10,000 ही मिल रहा था पर किलोवाट आवर के लिए, अब 15,000 रुपये मिलेगा पर किलोवाट आवर के लिए। तो डिमांड इंसेंटिव अगर बढ़ गया है तो जायज़ है कि इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी। इंडिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग यानी लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ ओपन हो रही है, तमिलनाडु में ओला ओपन कर रहा है, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ पहले कहा गया था इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर अडॉप्ट करने पर मैक्सिमम जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी वो 20% टोटल कॉस्ट का, सपोज करिए 1,00,000 का है तो 20,000, लेकिन अब 40% दी जाएगी, तो ये भी अच्छी बात है। उसके अलावा भाई फेम इंडिया स्कीम से ही काम नहीं चल जाएगा, फेम इंडिया स्कीम को रन करने के लिए आपको बैटरीज चाहिए होंगी, बैटरीज का प्रोडक्शन इंडिया में होता नहीं, बैटरीज के लिए फिर कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट का प्रोडक्शन इंडिया में होता नहीं, तो उसको क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2021 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ताकि एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी केमिस्ट्री सेल्स का यूज किया था ना बैटरी में,
उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सके। तो एडवांस केमिस्ट्री सेल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बैटरीज, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दी गई। 2020-21 से रन की जा रही है, हालांकि बेस ईयर 2019-20 ही रहेगा, याद रखिएगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका इंसेंटिव बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो जीएसटी था उसको 12% घटाकर 5% कर दिया। रिसेंट बजट में, फाइनेंशियल 22 के बजट में ऐसा किया। फिर चार्जिंग स्टेशन पर जो जीएसटी लगता था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो 18% से घटाकर 5% कर दिया। एसीसी पीएलआई स्कीम का क्या है, एसीसी के लिए स्टोरेज को निर्माण करना, साथ ही साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50 गीगावाट आवर तक करना, इसके लिए टोटल फाइनेंशियल आउटले $2.4 बिलियन अनाउंस किया गया है। तो एसीसी एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल की मैन्युफैक्चरिंग को 50 गीगावाट करने के लिए $2.4 बिलियन जो है अलग से फाइनेंशियल आउटले प्रोवाइड किया गया है पीएलआई स्कीम के तहत। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिएगा, जो एलिजिबल कंपनीज हैं उनको लगभग 30 मिलियन पर गीगावाट आवर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा 2 वर्षों के लिए। और इन जब आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें लोकलाइजेशन मिनिमम 25% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा प्रोडक्ट फॉरेन का यूज़ कर रहे हैं और आपको पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव चाहिए। तो अगर आप मिनिमम 30 मिलियन गीगावाट पर आवर के हिसाब से यूटिलाइज मतलब खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 वर्षों तक आप रन कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। ये इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।